लाइव हो गया। नमस्कार वीएली भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज पुनः आप सभी लोगों का आज की मुलाकात केस संस्करण में स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं और आप यहां पे उपस्थित हैं वो विषय रहेगा स्वास्थ्य बीमा। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के परिवेश में हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा बहुत ही जरूरी है और ये किस तरीके से हमारी मदद करता है, हमने पिछले टाइम में भी देखा, कोरोना में जब बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई तो स्वास्थ्य बीमा ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। और आज हमें स्वास्थ्य बीमा अपने परिवार का और अपना जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ी अपनी आर्थिक जो समस्याएं हमें होती हैं उनसे निजात मिल जाती है और ये हमारी बहुत तरीके से मदद करता है। तो उसी विषय पे स्वास्थ्य बीमा के बारे में हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हैं स्टार हेल्थ से श्रावणी मैम, जो अपने स्टार हेल्थ के दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में हमें समझाएंगी और बताएंगी उनकी विशेषताएं क्या क्या है। श्रावणी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीएली भाइयों को बताने के लिए उपस्थित हुई है। तो एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ श्रावणी मैम। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, यस मैम। सो या सर ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया मुझे। माय नेम इज श्रावणी श्रीनिवास एंड आई एम ट्रेनिंग मैनेजर फॉर द एंटायर छत्तीसगढ़ रीजन। सो आज हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज, एफएचओ प्लान के बारे में और हम लोग मेडिकल एसेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक्स एंड प्रोडक्ट्स, मैं चाहती हूँ कि आपको एक क्लैरिटी ऑलरेडी हो कि व्हाट हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली मींस और स्टार का ही क्यों, व्हाई स्टार एंड व्हाट स्पेशल वी हैव इन अकॉर्डिंग टू एवरी अदर कंपनी। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? This time you are audible. Okay, so can anyone type why health insurance is very important for all of us in the chat box? If you can put why health insurance is important for us. श्रावणी मैम, यस, आई कांट सी एनी, पीपीटी नहीं दिख रही है आपको? अभी वो डिस्कनेक्टेड हैं, तब तक आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। वेली भाइयों, कुछ तकनीकी कारणों के कारण श्रावणी मैम अभी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जीवन बीमा जो है वो स्वास्थ्य बीमा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। होता यह है कि हमारे साथ कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आजकल हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अचानक से आने के कारण हम उनको वहन करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा बहुत ही आवश्यक, स्वास्थ्य बीमा बहुत ही आवश्यक हो जाता है। स्वास्थ्य बीमा का सबसे मेन चीज ये होता है कि आप जहां भी कभी भी आपके साथ अगर कोई बीमारी होती है तो जो बीमारियां स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर होती है उसके थ्रू जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो हमें जितना भी पेमेंट करना होता है, क्लेम होता है, वो अभी आगे आपको बताया जाएगा कि कुछ जगह पे हमें ऑडिबल सर, सॉरी मैम, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। हाँ, यस सर, फ्रंट टेक से स्टार्ट करते हैं बस। हाँ, इफ यू आर कंटिन्यूइंग इट्स ओके। मैम स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, मुझे स्क्रीन विजिबल है। सो इस प्लान का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस। ओके, सो दिस इज फॉर द, मतलब ये प्लान हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्लान है एंड इस प्लान में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहले लेट्स गो थ्रू द कंपनी प्रोफाइल, व्हाई स्टार। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है हेल्थ इंश्योरेंस को, मैंने आपको क्लियर किया था वैसे भी ऑन द स्टार्टिंग,
हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस है कि स्वास्थ्य बीमा, आप कहते होंगे स्वास्थ्य बीमा, तो आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस एक सेफ्टी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम इसमें अबाउट द पॉलिसी में जाते हैं, तो व्हाट अबाउट द पॉलिसी सेज कि दिस पॉलिसी, आप ये पॉलिसी को 18 से 65 ईयर्स तक के किसी भी लोगों को आप ये पॉलिसी दे सकते हो। ठीक है, एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड द लास्ट एज ऑफ द एंट्री इज 65 ईयर्स। मतलब आप 18 से 65 ईयर्स तक के किसी को भी ये प्लान सेल आउट कर सकते हो। सेकेंड इज डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन इज 16 डेज से 25 ईयर्स तक के जो भी लोग होंगे आप उनको डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कंसिडर कर सकते हैं। अप टू 3 बच्चों को इस प्लान में हम कवर कर सकते हैं अंडर अ सिंगल पॉलिसी। वहां पे लिखा है अप टू 3 चिल्ड्रन कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल पॉलिसी। सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन को आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट इन लॉज को और पेरेंट्स को भी आप कर सकते हैं, बट कंडीशन शुड बी कि उनका एज कितना होना चाहिए, 65 एंड बिलो होना चाहिए। मतलब सपोज अगर एक एक्स वाई जेड पर्सन ने प्लान आउट किया है तो, और उनकी एज मान लीजिए 25 ईयर्स ओल्ड है, 25 ईयर्स में उन्होंने प्लान करेगा और उनके पेरेंट्स की एज है नियर अराउंड 45 और 50, तो हम क्या करेंगे, उनको ये प्लान हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अनदर इज पॉलिसी टाइप। तो पॉलिसी टाइप से फ्लोटर पे अवेलेबल है, फ्लोटर इन द सेंस आप इसमें और भी लोगों को अपने साथ ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इज लाइफ टाइम रिन्यूअल, लाइफ टाइम रिन्यूअल ऑप्शन बी प्रोवाइड यू नो इन दिस पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड मेडिकल स्क्रीनिंग। सो ऑल द पर्सन हु अबव 50 ईयर्स ओल्ड, मतलब किसी भी व्यक्ति जिसकी एज 50 ईयर्स एंड अबव है, हम उसको इसमें कंसिडर कर सकते हैं। मतलब उनका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, मतलब एंट्री एजेस 18 ईयर्स, 18 साल से लेके 50 साल तक के सबका मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होगा, बट आफ्टर 50 अगर कोई है तो डेफिनेटली उनका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा। और बिलो 50 भी अगर किसी ने पीईडी डिक्लेयर किया, पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, अगर किसी ने डिक्लेयर किया तो क्या होगा कि हम लोगों को कंपनी उनका प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करवाएगी। क्लियर है? अनदर लास्ट लास्ट ईयर इज सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड 3 लाख से 25 लाख तक का हमें यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। रूम बोर्डिंग नर्सिंग एक्सपेंसेस। ओके, रूम बोर्डिंग नर्सिंग एक्सपेंसेस मतलब 3 लाख से 4 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो आपका पर डे रूम का कॉस्ट विल बी 5,000 रुपीज। ठीक है, एंड अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख एंड अबव का है तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, यू आर एलिजिबल फॉर अ सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, और उसका कोई प्रिस्क्राइब नहीं कि इतना ही अमाउंट होना चाहिए। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हॉस्पिटल यू आर चूजिंग, बट आपका सम इंश्योर 5 लाख से 25 लाख में होना चाहिए। क्लियर? अनदर इज रेलिवेंट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब कोई डायरेक्टली हॉस्पिटल सीधा जाके एडमिट नहीं हो जाता है, पहले हम डॉक्टर के पास मिलते हैं, वी गो थ्रू स्टेप्स, वी गो थ्रू यू नो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, वी टेक मेडिसिन, एग्जामिनेशन होता है, स्क्रीनिंग होता है, ये सारी चीजें होती है, देन उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज होते हो डायरेक्टली। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। तो कंपनी कहती है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन के पहले भी वी कवर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं हम उसको कवर करेंगे, और 90 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसको भी हम कवर करेंगे। क्लियर है? इस ये इकलौता प्लान है जिसमें हमने कैटरेक्ट की लिमिट दे दी हुई है। कैटरेक्ट की लिमिट दी हुई है, इसका मतलब कैटरेक्ट का सम इंश्योर्ड कितना है, अगर 3 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है तो पर आई लिमिट कैटरेक्ट का आपका लिमिट रहेगा 25,000 रुपीज, और अगर आपकी लिमिट पर पॉलिसी पीरियड 3 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपकी पर पॉलिसी पीरियड का जो लिमिट रहेगा दैट विल बी 35,000 रुपीज। वैसे अगर आपका 4 से 5, मान लीजिए आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख की लिमिट रहेगी 40,000 रुपीज, और लिमिट पर पॉलिसी मतलब दोनों पॉलिसी में लिमिट रहेगी 60,000 रुपीज। क्लियर है? अनदर इज शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन मतलब अगर मान लीजिए आप ऐसे सेपरेटली रुकना नहीं चाह रहे हैं हॉस्पिटल में, आपका कस्टमर सेपरेटली रुकना नहीं चाहता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अकोमोडेशन शेयर कर सकते हैं, मतलब शेयरिंग रूम में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर 3 लाख से 15 लाख का उनका सम इंश्योर्ड है तो उनका पर डे का रूम रेंट मतलब रूम शेयर्ड अकोमोडेशन का जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी 800 रुपीज, और ये कंपनी उस सामने वाले को प्रोवाइड, क्योंकि वो रूम रेंट का ऑप्शन ना लेके ही इज गोइंग फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, वो किसी और के साथ रूम शेयर करने के लिए एग्री कर रहे हैं। ठीक है, और अगर उनका सम इंश्योर 20 लाख से 25 लाख रहेगा तो 1,000 रुपीज विल बी गिवन बाय द कंपनी पर डे।
अंडर द अकोमोडेशन एक्ट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और 5,000 पर पॉलिसी पीरियड ही आपको दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर यू नो और एल्स यू कैन यू नो पुट थम्स अप एज़ वेल। नेक्स्ट है रोड टैरिफ एक्सीडेंट। रोड टैरिफ एक्सीडेंट में 25% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,00,000 रुपीज। ठीक है, जो भी 25% है उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मैक्सिमम इज ओनली 5,00,000 रुपीज। ठीक है, और अवेलेबल आफ्टर द एग्जॉस्टन ऑफ लिमिट ऑफ कवरेज। अगर एग्जॉस्ट हो जाता है आपका कवरेज तो इसमें इट इज अवेलेबल यू नो रोड टैरिफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन एंड रिचार्ज विल नॉट अप्लाई। मतलब मान लीजिए आपका 5,00,000 का सम इंश्योर्ड है और आपने उसको यूज कर लिया तो 5,00,000 फिर से इसमें रिस्टोर नहीं होगा। Let's go to next slide. Next are benefits. हमें इस प्लान के बेनिफिट्स क्या है? इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस है। मतलब इमरजेंसी है, सपोज कस्टमर को इमरजेंसी से इस यहाँ से वहां शिफ्ट करना है वाया रोड एम्बुलेंस, तो व्हाट वी कैन मतलब व्हाट कंपनी सेज दैट कि 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड ₹1,500 पर पॉलिसी पीरियड। मतलब एक हॉस्पिटलाइजेशन में 750 प्रोवाइड होगा एंड थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड यानी पूरे एक साल के पॉलिसी पीरियड में रोड एम्बुलेंस का चार्ज कंपनी विल पे ₹1,500। ओके, नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी पीरियड। मतलब किसी का सम इंश्योर्ड अगर 25 लाख का है तो उसका 10% यानी कि 2,00,000 विल बी द सम इंश्योर्ड फॉर द एंटायर पॉलिसी पीरियड। पूरे पॉलिसी पीरियड का 10% आपका एयर एम्बुलेंस का सामना होगा। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। सपोज मान लीजिए कि कस्टमर एक हॉस्पिटल में है, उसको इस हॉस्पिटल से दूसरे किसी दूसरे सिटी के हॉस्पिटल में या फिर स्टेट के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी इवैक्यूएशन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अप टू 4,00,000 का सम इंश्योर्ड है, इसमें 5,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर 20 और 25 लाख का सम इंश्योर्ड है आपके कस्टमर का, तो कंपनी जो है वो 10,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है। कंपैशनेट ट्रैवल इज आल्सो वन अनदर थिंग। कंपैशनेट ट्रैवल मतलब कंपनी रीइंबर्स करती है टोटल एयर एक्सपेंसेस। मतलब सपोज अगर एक हस्बैंड है मान लीजिए वो एडमिट है, उसकी वाइफ को वहां पे जाना है, तो कंपनी विल पे 5,000 रुपीज फॉर वन इमीडिएट फैमिली मेंबर फॉर द ट्रैवल टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द हॉस्पिटल इज लोकेटेड। एयर का कंपैशनेट ट्रैवल में कंपनी विल रीइंबर्स 5,000 रुपीज। ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो उसको कंपनी विल पे 5,000 रुपीज रीइंबर्समेंट अमाउंट फॉर कंपैशनेट ट्रैवल। ठीक है, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जैसे कोई ट्रीटमेंट हो गया, आयुष ट्रीटमेंट हो गया और ऐसे ट्रीटमेंट हो गए जो 3 दिन से ज्यादा नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है उसके लिए भी प्रोवाइड करती है मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज प्रोवाइड करती है ऐसी बीमारियों के लिए जो 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है कि फॉर एन इलनेस डिसीज इंजरी ऑन एडवाइस ऑफ प्रैक्टिशनर ट्रीटमेंट कन्फाइंड एट होम हॉस्पिटल। मतलब घर पे भी आप ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सच दैट ही शी इज नॉट इन अ कंडीशन टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ हॉस्पिटल। मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे मतलब जो आपका कस्टमर है जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल से रिमूव ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, व्हेन ही इज अनएबल टू यू नो मूव आउट ऑफ द हॉस्पिटल, उस सिचुएशन में भी वी टेक केयर ऑफ द पेशेंट टेक ट्रीटमेंट्स एट द होम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी के टाइम पे भी घर पे अगर है तो ये दिस डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन वी कैन। अनदर इज रिपार्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। मान लीजिए कि क्या हुआ, कंपनी जो है कंपनी सेज दैट कि 5,000 अमाउंट विल बी रीइंबर्स, ठीक है, पर पॉलिसी पीरियड फॉर द मॉर्टल रिमेन्स। मॉर्टल रिमेन्स मतलब अगर डेथ हो जाती है तो कॉफिन का चार्ज, ठीक है, एम्बैगेज का चार्ज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यू नो बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, बट दैट शुड बी अंडर 5,000 ओनली फॉर पर पॉलिसी पीरियड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड स्पीक्स अबाउट कि 25% ऑफ एक्सपायरिंग सम इंश्योर्ड इन द सेकेंड ईयर एंड 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि क्यूमुलेटिव बोनस ऐड होगा 25% ऑफ एक्सपायर्ड सम इंश्योर्ड। ठीक है, मान लीजिए किसी का सम इंश्योर्ड 10,00,000 का है लास्ट ईयर, इस साल उसमें मैक्सिमम और लास्ट ईयर का 25% विल ऐड। ठीक है, और अनदर इज ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन।
अनदर फीचर जो है हमारा वो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, मतलब अवेलेबल अप टू एग्जॉशन ऑफ द लिमिट ऑफ 3 टाइम्स एट द 100% ऑफ ईच टाइम। किसी का सामान शॉर्ट अगर 5 लाख रुपीज का और उसमें एक बार में वो 5 लाख रुपीज एग्जॉस्ट कर लिया तो सेकेंड टाइम रेस्टोरेशन इज अवेलेबल, यानी अनदर 5 लाख कैन यू कैन रिस्टोर दैट। और ये 3 बार ही कर सकते हैं आप 100% एट ईच टाइम। ओके, दिस कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इलनेस डिसीज अनरिलेटेड टू द इलनेस डिसीज, ये सबके लिए दिस इज प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट इज रिचार्ज। इफ द लिमिट ऑफ द कवरेज अंडर द पॉलिसी इज एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो रिचार्ज ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, यहाँ पे इस पॉलिसी का एक और एड ऑन फीचर है दैट इज नोन एज हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप मतलब फॉर एवरी क्लेम 3 ईयर, मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 2021 में पॉलिसी ली और 2022 में भी आपका कोई क्लेम नहीं आता, मतलब पूरे साल भर कोई क्लेम नहीं लिया है और आपका सम इंश्योर मान लीजिए 3 लाख रुपए का है, तो कंपनी आपको फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर रही है फॉर एवरी क्लेम 3 ईयर, मतलब 3 लाख के सम इंश्योर पे 750 रुपए का हेल्थ चेकअप इज प्रोवाइड है, और अगर आपका 25 लाख का सम इंश्योर है तो 3500 का सम इंश्योर मतलब हेल्थ चेकअप इज प्रोवाइडेड। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। रिचार्ज ऑप्शन जो है फॉर एवरी 3 लाख 75,000 का रिचार्ज इज अवेलेबल, 75,000 एक्स्ट्रा टॉप अप रिचार्ज इज अवेलेबल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स जो है अब एक और यहाँ पे नेक्स्ट में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। सिनारियो 1 में जो सम इंश्योर्ड है उसका 10 लाख रुपए है, ठीक है, एंड 10 लाख के बाद नाउ जस्ट लुक एट इट कि नो क्लेम बोनस आया, रिचार्ज 1.5 लाख का उसने करवाया तो टोटल कवर अभी 11.5 लाख रुपए का है फर्स्ट केस में। न्यू पॉलिसी की बात करें फर्स्ट क्लेम आया 5 लाख रुपीज का, ठीक है, तो 5 लाख रुपीज का क्लेम आया, 11.550 में से 5 लाख कटा तो 6.50 लाख आर लेफ्ट, जिसमें से बैलेंस हमें जो 5 लाख का है और 1.5 लाख रुपए क्या चीज का है रिचार्ज का। सेकेंड क्लेम आया 10 लाख रुपए का तो 6 लाख 50 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, बट एक्स्ट्रा ऐड किया गया, ठीक है, ये रिस्टोरेशन कितना होगा इस सिचुएशन पे, एक्स्ट्रा रिस्टोरेशन इज प्रोवाइडेड, क्लियर, एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज इज प्रोवाइडेड, जितने का अमाउंट है उतना रिस्टोरेशन विल बी डन बाय द कंपनी, क्लियर है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। यहाँ पे हमारा एक बेस्ट फीचर है स्टार वेलनेस प्रोग्राम। स्टार का एक वेलनेस प्रोग्राम है, ठीक है, ये वेलनेस प्रोग्राम आपको तब इसके लिए तब आप एलिजिबल होते हैं जब आप ये सारी चीजें करते हैं, तो दिस प्रोग्राम में इंटेंस टू प्रमोट यू नो दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक्चुअली मेन फीचर ये है कि ये आपको वेलनेस के थ्रू कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। इस पॉइंट्स के थ्रू व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन टेक डिस्काउंट्स फ्रॉम द फ्रॉम यू नो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। एग्जाम्पल सपोज क्या हुआ, अगर आपके 200 से 350 वेलनेस पॉइंट्स बनते हैं तो आपको अपनी प्रीमियम पे 4% डिस्काउंट होता है। अगर आप 350 से लेके 600 पॉइंट्स बनाते हैं इन 1 ईयर तो आपका क्या होगा, डिस्काउंट रहेगा 10% ऑन द नेक्स्ट प्रीमियम। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वॉकथॉन, मैराथन, साइक्लोथॉन, ये सारी चीजें होती है, इसके थ्रू यू नो यू गेट पॉइंट्स। HRA होता है हेल्थ रिस्क असेसमेंट करके, ये रिस्क असेसमेंट को भी कंप्लीट करने से यू यू नो गेट द ऑप्शन टू कंप्लीट यू गेट द डिस्काउंट। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है, हमें असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट मतलब वेटिंग पीरियड जो रहेगा एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स, क्योंकि क्या रहेगा रिप्रोडक्टिव रिलेटेड कोई भी इशू है, IVF हो गया ऐसा कुछ भी, तो इसके लिए आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट का बेनिफिट का वो प्रोवाइड होगा। अगर आपका सम इंश्योर 5 लाख का है तो 1 लाख रुपीज का कवर आपको प्रोवाइड होगा फॉर द रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, एंड आपका 10 लाख एंड अबव का कवर है तो आपको 2 लाख रुपीज प्रोवाइड होगा असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के नाम, ठीक है। हस्बैंड एंड स्पाउस शुड स्टे इमीडिएटली इंश्योर कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, तो ये 3 इयर्स का वेटिंग इसमें मैंडेटरी है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज नॉट मैंडेटरी, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन और रिचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। अब न्यू बॉर्न बेबी का क्या रहेगा, इन FHO वी कवर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 50,000 रुपीज, विच एवर इज लेस,
हम वो बच्चे को कवर करके देते हैं। मान लीजिए कि आपका सम इंश्योर्ड जो है 4 लाख रुपए का है, ठीक है, तो 4 लाख का 10% इज 40,000 रुपीज, तो FHO में वो बच्चे का कवर जो होगा 40,000 हम कवर करेंगे। क्लियर है? विच एवर इज लेस हम वो कंप्लीट करेंगे। कवर स्टार्ट फ्रॉम 16th डे, जो कवर है वो 16th डे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बच्चे के पैदा होने के 16th डे से कवर स्टार्ट हो जाएगा टिल 25 ईयर्स तक। क्लियर है? और यहाँ पे बोलता है कि मदर इज इंश्योर्ड फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विदाउट ब्रेक। इसके लिए मम्मा को जो मदर है वो 12 मंथ्स बिफोर 12 मंथ्स आफ्टर कवर होनी चाहिए, तो इस प्लान में तभी न्यूबॉर्न बेबी को ये कवर प्रोवाइड होगा। क्लियर? इंटीमेशन शुड बी गिवन एंड द पॉलिसी हैज टू बी एंडोर्स। ठीक है, बेबी होने के दिन से ही आपको 45 डेज या 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। 30 डेज वेटिंग पीरियड विल नॉट अप्लाई, यहाँ पे 30 डेज का कोई वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं है, और 30 डेज स्पेशल डेज एंड पीडी वेटिंग पीरियड जो है वो भी अप्लाई नहीं है। कोई ऐसा पीडी है या 30 डेज का आपको कोई एक्सटर्नल वेटिंग पीरियड इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर यानी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और ₹1 लाख विच एवर इज लेस वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। मतलब अगर आपका सम इंश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपीज का है, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीज इधर आपको प्रोवाइड होगा, नहीं तो आपको 1 लाख रुपीज कंपनी की साइड से, दोनों में से जो कम रहेगा विच एवर इज लेस दैट विल बी प्रोवाइड। क्लियर है? फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वेयर द इंश्योर्ड पर्सन इज रिसिपियंट आर पेएबल, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या रहेगा, पोस्ट डोनेशन जो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो इंश्योर्ड पर्सन रहेगा उसकी रिसिपियंट दैट इज दैट नीड्स टू बी पेड। पेमेंट इज मेड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो पेमेंट है दैट इज मेड टू द सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सम इंश्योर्ड। जितना सम इंश्योर्ड जो लेफ्ट ओवर सम इंश्योर्ड है, जो सम इंश्योर्ड बाकी है, उस सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो पेमेंट ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा। आयुष ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी, अगर ये वाले इसमें अगर आप सेगमेंट में जाते हैं, तो इसके लिए अगर आपका 3 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो फॉर एवरी पर पॉलिसी पीरियड आपकी जो लिमिट रहेगी दैट विल बी 10,000 रुपीज। 5 लाख है तो योर लिमिट पर पॉलिसी पीरियड विल बी 15,000 रुपीज ओनली। क्लियर? ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है, कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट है जैसे बेलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपीज है, इम्यूनोथेरेपी है, ये सारी जो भी ट्रीटमेंट्स है FHO के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए अगर आपका सम इंश्योर 3 लाख रुपीज का है, तो जैसे बेलूनोप्लास्टी के लिए 15,000 रुपीज का एक कवरेज, मतलब एक ऑलरेडी अमाउंट स्पेसिफाइड करके रखा गया है, तो उस अमाउंट के अंदर अंदर ही आपको यूज करना होगा। अगर आपका 25 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो बेलून सिनोप्लास्टी के लिए आपको जो टोटल कवर प्रोवाइड होगा वो 1.5 लाख रुपए तक का प्रोवाइड होगा। क्लियर है? वैसे हर मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में फीचर्स एंड बेनिफिट्स। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन इज यू नो प्रोवाइडेड बाई स्टार टू ऑल द FHO मेंबर्स। मतलब अगर आपको लग रहा है कि जो आपके डॉक्टर ने कहा है आप इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप डेफिनेटली सेकेंड ओपिनियन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रिस्क्रिप्शन, आपके रिपोर्ट को हमारे मेडिकल ओपिनियन @star.in पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो दैट क्या पॉसिबल होगा कि आपको एक सेकेंड ओपिनियन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अनादर इज टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी अवेल करने के लिए यू हैव टू डायल द नंबर, यू हैव टू डायल 7676905905 करके एक नंबर है, यू हैव टू डायल दिस नंबर एंड यू नीड टू कंसल्ट विद स्पेशलिस्ट, जैसे कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट है या फिर जो भी है उनके लिए यू नीड टू कंसल्ट। यू कैन कंसल्ट एनी डॉक्टर इन एनी डिपार्टमेंट अंडर दिस नंबर। ओके, कोपे का ऑप्शन है। सपोज कोपे के लिए क्या होता है, कोपे यानी कि फॉर इंश्योर्ड पर्सन हुज एज इज एट द टाइम लाइन ऑफ एंट्री एज 61 ईयर्स, उनके लिए कोपे आ जाता है। तो 20% ऑफ ईच एंड एवरी क्लेम अमाउंट फॉर फ्रेश एज वेल एज रिन्यूअल पॉलिसी, ठीक है, 20% जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आप टैक्स बेनिफिट के लिए प्लान अगर लेते हैं, तो यू आर यू नो
eligible for a relief under Section 80D of Income Tax Act. Long-term discount. Another feature is long-term discount. If the policy term is opted for 2 years, तो जो discount है, that is 10% available on the second premium. मतलब अगर 2 साल की policy अगर opt करते हैं, तो second year premium पे आपको straight 10% का discount on the day one provided होगा. और इसके अलावा upfront जो discounts होंगे, वो आपको जो provide होंगे, पहला discount है 5% का discount provide होगा. अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आपको क्वेश्चंस किए गए एचआरए अगर आप लेते हैं और आपका हेल्दी एचआरए आते हैं, तो उस रिजल्ट पे क्या होगा कि आपका 5% डिस्काउंट भी प्रोवाइड. वेटिंग पीरियड, अगर कोई स्पेसिफाइड पीईडी है, स्पेसिफाइड डिसीजेस है, तो इसमें इनिशियल वेटिंग पीरियड प्लान लेने के बाद फॉर एवरी वन इज 30 डेज. बट अगर किसी को कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस है, तो 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा. और अगर पीईडी है, कोई भी पीईडी है, आपने अगर मतलब डिस्क्लोज किया कि कोई पीईडी है, तो 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड. ओके, इफ एनी डाउट्स यू कैन यू नो डायरेक्टली टाइप इन द चैट बॉक्स. अनदर इज परमानेंट एक्सक्लूजन. कौन से परमानेंट एक्सक्लूजन है, वो सब इसमें प्रोवाइडेड है. इन्वेस्टिगेशन, इवेल्यूएशन, जो भी परमानेंट एक्सक्लूजन है, वो सारे मेटर्निटी कवर नहीं रहेगा. ठीक है. एंड स्पेसिफाइड डिसीजेस के, जैसे कैटरैक्ट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट है, इसके लिए पूरा प्रोवाइड किया गया है आपको कि ये इतना ये स्पेसिफाइड डिसीजेस है, इसमें आपको ऑपरेट. क्लेम प्रोसीजर जो रहेगा, वो कैशलेस रहेगा. कैशलेस के लिए विद इन 15 डेज, मतलब कैशलेस या रीइंबर्समेंट के लिए यू आर गोइंग, सपोज यहाँ पे फर्स्ट में है कि रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इसके टाइम में क्या होगा कि जो रीइंबर्समेंट है हॉस्पिटलाइजेशन डे केयर का, द क्लेम मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्चार्ज. 15 दिन के मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर आज डिस्चार्ज हो रहा है, तो आज से 15 दिन के अंदर अंदर उनको क्या क्लेम फिल करके अपलोड करना पड़ेगा. रीइंबर्समेंट के लिए क्या होगा, विद इन 15 डेज आफ्टर कम्प्लीशमेंट ऑफ 90 डेज आप इसमें अप्लाई करें. 24 आवर्स जो है, हम लोग का हेल्पलाइन असिस्टेंस इज अवेलेबल. आप इन 24 आवर्स में यू कैन ज्वाइन, इन एवरी 24 आवर्स यू कैन यू नो डेफिनेटली गो फॉर दैट. क्लियर. अनन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो दिस इज व्हाट आर एफएचओ प्लान इज. हमारा एफएचओ प्लान में सिर्फ यही था. आई होप ये क्लियर होगा. और एफएचओ के जो फीचर्स हैं, अगर कोई आपसे पूछे, तो यू कैन यू नो डेफिनेटली टेल क्या रहेगा. लेट्स रिवाइज वंस अगेन कि 18 इयर्स से लेके 65 इयर्स तक आप ये प्लान किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं. देन उसके बाद क्या रहेगा कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है इस प्लान में, दे विल बी 16 डेज टू 25 साल के, 25 साल की उम्र तक हम डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. पॉलिसी टाइप जो है वो फ्लोटर होगा. कम्युनिटी जो है वो लाइफ टाइम रिन्यूअल. लाइफ टाइम रिन्यूअल मतलब जब तक है जान, कस्टमर भरेंगे प्रीमियम. ऐसा क्लियर. प्री मेडिकल स्क्रीनिंग जो है अबव मतलब एट द एज ऑफ 50 या आफ्टर 50 जो है, जो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग है वो सबकी होगी. ठीक है. अगर उन्होंने कोई पीईडी बताई है तो भी, नहीं बताई है तो भी. सम इंश्योर्ड ऑप्शन जो है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये सारे सम इंश्योर्ड ऑप्शन हमारे अवेलेबल है. तो आई होप आपको ये प्लान क्लियर होगा. कैन वी मूव टू द मेडिक्लासिक. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. Let's move to the Mediclassic plan. So Mediclassic जो दूसरा प्लान है वो चला देंगे क्या. हेलो अश्विनी सर. जस्ट अ वेट मिनट, जस्ट वेट. ओके वी आर डूइंग. हाँ
मैम हेलो यस यस मैम सेकंड फ्लोर इज विजिबल नाउ या या इट्स ओके सो आवर अनदर हॉट सेलिंग प्लान इज मेडी क्लासिक इंश्योरेंस प्लान ठीक है इस प्लान में वी स्पीक अबाउट दिन बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस ओके सो ये नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे सर इस प्लान में ना आपको ये गोल्ड प्लान है इसमें इसमें 15 फीचर्स वी हैव नेक्स्ट स्लाइड सर आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा मैम इज दिस ओके या या सो यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट वी हैव टोटल 15 टोटल 15 बेनिफिट्स हो गए हियर हॉस्पिटलाइजेशन प्री हॉस्पिटलाइजेशन तो हम लोग एक एक करके लेट्स कवर दिस ठीक है इतना बेनिफिट्स है इस प्लान में पहले तो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड टू जस्ट नो दैट हम कवर किस किस को करते हैं इस प्लान में तो नेक्स्ट स्लाइड में देखना कि हम एडल्ट को मतलब फ्रॉम 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक के लोगों को वी कवर अंडर दिस प्लान मतलब 18 से 25 साल तक मतलब 65 ईयर्स तक के जो भी हैं हम उन्हें इस प्लान में कवर करते हैं ठीक है डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो 16 डेज से 25 ईयर्स तक के होते हैं पॉलिसी टाइप ये इंडिविजुअल रहता है इसमें आप फ्लोटर ऑप्शन नहीं है आप किसी दूसरे के लिए प्लान ले सकते हैं यू कैन ओनली टेक इट फॉर योर ओन पर्पस पॉलिसी टर्म इज 1-3 ईयर्स एक साथ 1-3 साल का प्रीमियम भी पिक कर सकते हैं मल्टी ईयर भी है ये प्लान लास्ट प्लान जो था वो सिर्फ 1 ईयर के हिसाब से था दिस इज फॉर पॉलिसी टर्म इज 1-3 ईयर्स कंटिन्यूटी इज लाइफ टाइम रिन्यू आप इसको कर सकते हैं हाफ ईयरली एनुअली है वंस इन 2 ईयर्स है वंस इन 3 ईयर्स है इसमें पेमेंट ऑप्शन जो है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं आप एनुअली भी पे कर सकते हैं वंस इन 2 ईयर्स भी दे सकते हैं और वंस इन 3 ईयर्स भी एक बार दे सकते हैं बट क्या होगा सम इंश्योर्ड ऑप्शन जो है नेक्स्ट में 3 लाख से 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है हमारे पास लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड टू नो द बेनिफिट्स हमारे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है तो पहला बेनिफिट है हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 25 आवर्स कवर 24 आवर्स कवर मतलब 24 घंटे से ज्यादा जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन जो इज रिक्वायर्ड ठीक है मीन एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स एंड अबव मतलब एक जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल गया तो उसको 24 घंटे वहाँ काटने होंगे तो उस 24 घंटे के बाद से जो है एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं नेटवर्क हॉस्पिटल जो भी हमारे पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल कहाँ जाता है जिनमें हम वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट का अवेलेबिलिटी है कैशलेस इन द सेंस कि आपको जो रहेगा चार्जेस आपको कुछ पे नहीं करना है आपके पॉलिसी के सम इंश्योर से ही इट विल बी डिडक्ट सेकेंड ऑप्शन इज रीइंबर्समेंट मान लीजिए कि आपके 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर तक आपके पास कोई भी कैशलेस या नेटवर्क हॉस्पिटल सॉरी अवेलेबल नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले पैसे आपको ही भरने हैं देन कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी वो अमाउंट ठीक है क्लियर है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अब हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है इस प्लान के अंदर वो कवर होता है जैसे प्रोफेशनल फीस है सर्जन के चार्जेस होते हैं कंसल्टेंट डॉक्टर के चार्जेस होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है उनका चार्ज होता है एनेस्थेसिस्ट का चार्ज होता है एनेस्थेसिया जो लगाता है और जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके चार्जेस भी होते हैं प्रोफेशनल फीस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस प्लान मेडिकल सर्विसेज लाइक एनेस्थेसिया ब्लड ऑक्सीजन ओटी चार्जेस आईसीयू चार्जेस ये सारे चार्जेस भी
वी कवर अंडर दिस प्लान, क्लियर है? मेडिसिन्स जो है, मेडिसिन्स को भी हम इस प्लान के अंडर कवर करते हैं. ड्रग्स हो गया, मेडिसिन्स हो गया, कुछ इम्प्लांट्स हो गया, कीमो के ड्रग्स होते हैं, वी कवर देम. ठीक है, देर आर अलॉट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन दैट आर बीइंग कवर्ड अंडर दिस प्लान. अनादर स्लाइड में लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. जोन बेस्ड प्राइसिंग है, यानी जोन वन के अकॉर्डिंग है एंड जोन टू के अकॉर्डिंग है. तो मे बी आप लोग आते हैं जोन टू के अंदर, ठीक है? जोन जोन वन में जो भी एरियाज मेंशन है उसके अलावा जितने भी एरियाज है वो सब जोन टू के अंदर आते हैं. रूम रेंट है नेक्स्ट. रूम रेंट फैसिलिटी में सेम लास्ट प्लान जैसा ही 3 लाख्स एंड 4 लाख्स का अगर आपका सम इंश्योर्ड होता है तो आपको पर डे रूम रेंट जो है 5,000 प्रोवाइड हो जाता है. ठीक है, 5,000 तक के रूम रेंट के लिए यू आर एलिजिबल. अगर आपका 5 लाख्स एंड अबव का सम इंश्योर्ड है तो देयर इज नो कॉस्टिंग टैग. प्राइवेट सिंगल एसी रूम को आप एक्सेस कर सकते हैं. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज है, मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइजेशन होने से 30 डेज पहले का कवर करती है कंपनी. एंड देन आफ्टर 60 डेज, मतलब हॉस्पिटलाइज होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर जाने की 60 डेज तक का कवर्ड है. क्लियर? डे केयर फैसिलिटी, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड. इसमें सारे डे केयर प्रोसीजर्स जो भी हैं वो इस प्लान के अंडर कवर्ड है. क्लियर? कैटरेक्ट के लिए मेडिकल क्लासिक में ऑलरेडी क्लियर है कि 3 लाख टू 5 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो पर आई की लिमिट जो रहेगी कैटरेक्ट के लिए. सर नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा. कैटरेक्ट की जो लिमिट है पर आई की 3 लाख टू 5 लाख के सम इंश्योर्ड में 30,000 रुपीज पर आई का फैसिलिटी इज अवेलेबल और लिमिट पर पॉलिसी इज 40,000 रुपीज. पूरे दोनों आंखों का और पॉलिसी का जो रहेगा लिमिट इज 40,000 और एक आंख का 30,000. 10 लाख और 15 लाख अगर आप सम इंश्योर्ड है तो 40,000 आपका पर आई लिमिट रहेगा. 25 लाख्स एंड 20 to 25 लाख्स का होगा तो आपको 45,000 का सम इंश्योर्ड, मतलब पर आई अवेलेबल हो जाएगा. रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस का क्या है? 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन. इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इतने साल, मतलब साल में एक बार ही मिलेगा नहीं मिलेगा. इसमें 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब एक बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो 2,000 मिलेगा. फिर इसके थोड़े दिन बाद फिर अगर आप एम्बुलेंस के थ्रू घर जाना चाह रहे हैं या फिर घर से हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं तो 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको प्रोवाइड. उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना इज मैंडेटरी. शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर शेयर्ड अकोमोडेशन है, इफ द इंश्योर्ड पर्सन ऑक्यूपाइज अ शेयर अकोमोडेशन इन अ नेटवर्क हॉस्पिटल तो क्या रहेगा कि 3 लाख टू 4 लाख है तो 500 रुपीज का पर डे का शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड हो जाएगा और मैक्सिमम जो है 3,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 6 ही दिन का प्रोवाइड होगा. अगर 500 एक दिन का है तो 6 डेज का 3,000 होगा एंड आपको क्या होगा 6 डेज का ही प्रोवाइड हो पाएगा 3 to 4 लाख में. बट अगर 10 लाख एंड अबव का आपका सम इंश्योर्ड होता है तो 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा एंड 6,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा. तो एक बार हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 6 दिन ही आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस प्रोवाइड होंगे रूम रेंट. दिस विल बी यू नो गिवन बाय कंपनी टू यू, ये आपको कंपनी दे रही है क्योंकि आप तो रूम रेंट ऑलरेडी एक्सेस कर सकते थे अगर आप वहां रहते. तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जा रहे हैं, आप किसी और के साथ क्या है शेयर कर रहे हैं रूम, तो उस सिचुएशन में ये कंपनी आपको पे करती है. हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ पे क्या है कि हेल्थ चेकअप इज अवेलेबल व्हेन पॉलिसी इज इनफोर्स एंड इट इज पेएबल ऑन रिन्यूअल. ठीक है, रिन्यूअल के टाइम पे एवरी क्लेम पर ईयर अगर आपका होता है तो अगर आपका 3 लाख टू 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1,500 रुपीज जो है वो आपका क्या रहेगा इसमें हेल्थ चेकअप का ऑप्शन रहेगा. अगर आपका 20 to 25 लाख रुपीज का जो है हेल्थ चेकअप है, आई मीन सम इंश्योर्ड है, तो आपको 5,000 का हेल्थ चेकअप इज अवेलेबल. क्लियर? लेट्स नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव बोनस. क्यूमुलेटिव बोनस मतलब 25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड जो है वो सेकेंड ईयर आपको ऐड हो जाएगा और एडिशनल 20% आपको तब आएगा जो बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर्स रहेगा. तो एग्जाम्पल 3 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 75,000 जो है वो क्यूमुलेटिव बोनस आपको फर्स्ट ईयर का ऐड हो जाएगा और बाकी सब्सिक्वेंट ईयर्स में 60,000 ही ऐड होगा और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन 3 लाख तक का ही रहेगा. क्यों? ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन, ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन 200% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड जो रहेगा दैट इज अवेलेबल फॉर ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन.
ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन के लिए हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? सुपर रेस्टोरेशन हमारे पास इस प्लान में एक और अनदर ऑप्शन है जो सुपर रेस्टोरेशन बोलते हैं। इसमें इफ द लिमिट ऑफ द कवरेज अंडर दिस पॉलिसी इज एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड एंड एडिशनल सम इंश्योर्ड ऑफ 100% विल बी प्रोवाइडेड। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका सम इंश्योर 10 लाख का और आपने पूरा का पूरा 10 लाख एग्जॉस्ट कर लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको एडिशनल 100% ऑफ सम इंश्योर के लिए एलिजिबल है फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, अगर फ्यूचर में आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो। कैन बी यूटिलाइज इवन फॉर इलनेस, ठीक है, अगर कोई इलनेस है, डिसीज है, कुछ है, तो क्या होगा इसके लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। द यूटिलाइज एडिशनल बेसिक सम इंश्योर के नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, और जो आपने यूटिलाइज कर लिया है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अवेलेबल, सुपर रेस्टोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द मॉडर्न ट्रीटमेंट। कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, आज की कोई ट्रीटमेंट है, उसके लिए सुपर रेस्टोरेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट फैसिलिटी इज रोड टैरिफ एक्सीडेंट। रोड टैरिफ एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है, ठीक है, ये अगर हो जाए तो इसमें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अगर रिजल्ट करता है तो द बेसिक सम इंश्योर्ड शैल बी इंक्रीज बाय 50%। मतलब एग्जांपल मान के चलते हैं कि किसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख का है और उनका जो है रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड विल बी इंक्रीज, यानी कि 10 लाख का 50% विल बी मोर इंक्रीज। अवेलेबल ओनली वंस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, अवेलेबल जो है वो एक बार ही अवेलेबल होगा ओवर वंस पॉलिसी पीरियड। एडिशनल बेसिक जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड जो है दैट इज अवेलेबल आफ्टर द एग्जॉशन, ठीक है, अगर आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट होगा तो उसके बाद ही आपको जो है एडिशनल सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, एंड इट इज नॉट अवेलेबल। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड जो है एंड सुपर रेस्टोरेशन है, ये दोनों इस फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं है। क्लियर? ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन मूव करते हैं। ये कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं। इन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में कंपनी जो है वो लिमिट पर पॉलिसी पीरियड ईच ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। जैसे कि यूट्राइन आर्टरी अगर ऐसा कुछ या HIFU कुछ होता है तो 3 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 75,000 के लिए यू आर एलिजिबल, और अगर बलून सिनोप्लास्टी है तो 3 लाख के लिए यू आर बीन एलिजिबल फॉर 30,000 रुपीज। ये पर पॉलिसी पीरियड होगा, ठीक है, एक साल में एक बार ही मिलेगा। हर प्लान के लिए अलग अलग है, हर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग अमाउंट स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट इज न्यू बॉर्न बेबी कवर। इसमें न्यू बॉर्न बेबी कवर कैसा रहेगा, 16 डे से स्टार्ट हो जाएगा कवरेज, एंड आफ्टर द कवरेज फॉर न्यू बॉर्न बेबी स्टार्ट फ्रॉम 16 डे। 16 डे से जो कवर स्टार्ट हो जाएगा बर्थ के बाद से, मतलब मान लीजिए आज अगर किसी का अगर एक बेबी हुआ है तो आज उसका फर्स्ट डे है, तो 16 डे से 16वें दिन से क्या होगा उसके बर्थ के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल बी टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ द पॉलिसी। जब तक पॉलिसी का एक्सपायरी डेट है तब तक के लिए इट इज एप्लीकेबल। 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ 50,000 रुपीज इज देयर, मतलब जितना भी सम इंश्योर्ड है उसका 10%। मान लीजिए कि किसी का सम इंश्योर्ड इज 3 लाख रुपीज, तो ही इज एलिजिबल फॉर 30,000 ओनली, बट यहाँ पे बोल रहा है 50,000 भी, तो 50 और 30 दोनों में से जो कम है, कम वाला अमाउंट से बेबी को जो है न्यू बॉर्न बेबी का वो प्रोवाइड हो जाएगा। मदर इज अश्योर्ड फॉर 12 मंथ्स विदाउट अ ब्रेक कंडीशन। बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को कवरेज तभी मिलेगा जब मदर इज कवर्ड फॉर अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स विदाउट एनी ब्रेक। 12 महीने तक मदर कवर होनी चाहिए तभी बेबी को कवर प्रोवाइड होगा। इंटीमेशन अबाउट द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न इज मस्ट। न्यू बॉर्न होने वाला है उसका इंटीमेशन आपको पहले ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए ऐसा कोई 30 डेज का वेटिंग पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल, कोई वेटिंग पीरियड नहीं। क्लियर? ऑर्गन डोनर जो है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑर्गन डोनर। मान लीजिए कि आपका एक कस्टमर है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसको बाजू वाला एक दूसरा उसका नेबर है, वो लीवर डोनेट कर रहा है, तो ऑर्गन डोनर जो है उसकी भी जो है फीस है दैट विल बी यू नो अंडर दिस ओनली। डोनर स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस और पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस कुछ अगर आते हैं, मान लीजिए कि डोनर का स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस जो है वो इसमें कवर नहीं होगा, और पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ भी है तो दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर दिस प्लान। क्लियर?
आयुष ट्रीटमेंट, अगर आप आयुष ट्रीटमेंट के अंदर जाते हैं जैसा, तो 25% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड जो है वो प्रोवाइड होगा, बट 25,000 से ज्यादा एक पॉलिसी पीरियड में मिलेगा ही, मतलब जो भी आपका सम इंश्योर्ड है इसका 25% ही आपको प्रोवाइड होगा इंश्योर्ड को, और 25,000 से ज्यादा नहीं प्रोवाइड होगा एक पॉलिसी पीरियड पे आयुष ट्रीटमेंट पे। योगा, नेचुरोपैथी, ये सब जो ट्रीटमेंट्स हैं, दीज आर एक्सक्लूडेड, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। साइकेट्रिक एंड साइकोमेटिक डिसऑर्डर, अगर कुछ साइकेट्रिक या साइकोमेटिक कुछ डिसऑर्डर है तो डायग्नोस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हॉस्पिटलाइज फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव डेज को हम कवर करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप डायग्नोस हो रहे हैं तो उसको कवर किया जाएगा, और फर्स्ट टाइम अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव डेज तो दैट इज कवर्ड, उससे ज्यादा इज नॉट कवर्ड अंडर दिस प्लान। कवर्ड अप टू बेसिक सम इंश्योर्ड, ठीक है, बेसिक सम इंश्योर्ड जो है उतना हम इसमें डेफिनेटली कवर करेंगे, बट कंडीशन ये है कि वो जो कस्टमर है जो इंश्योर्ड है उसको 24 मंथ्स तक हमारे पास से इंश्योर्ड होना पड़ेगा फॉर अ स्पैन ऑफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, तभी दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल। क्लियर? डोमिस्ट्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये कवरेज जो है डोमिस्ट्री हॉस्पिटलाइजेशन सेम प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन जैसा ही था, कि कवरेज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट के इनको इंक्लूड करते हुए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो 3 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, दैट इज बीन दैट कम्स अंडर डोमिस्ट्री ट्रीटमेंट, और उसके लिए द कवरेज एप्लीकेबल। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हॉस्पिटल कैश, ये एक ऑप्शनल कवर है हॉस्पिटल कैश का, दैट इज बीन प्रोवाइडेड फॉर सम अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है 1,000 फॉर ईच कंप्लीटेड डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 7 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब एक एट अ टाइम 7 डेज का पर हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, तो 1,000 रुपीज हॉस्पिटल कैश विल बी प्रोवाइडेड, और 14 डेज पर पॉलिसी पीरियड आपका रहेगा। Yeah, I don't get it. What are you saying? Ravi, sir, Ravi someone, what are you saying? OPD admission and cashless right now I've seen. Thoda clearly if you say, I'll brief you. इसमें नेक्स्ट है पेशेंट केयर, पेशेंट केयर भी एक ऑप्शनल कवर रहेगा, इसको आपको एड ऑन कराना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होगा कि कुछ भी इमीडिएट आफ्टर हॉस्पिटल अगर आप घर जाते हैं और कुछ भी रेसिडेंट्स में के लिए, ठीक है, ये कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए। मतलब कंडीशंस क्या है, शुड बी रिकमेंडेड बाय द अटेंडिंग फिजिशियन, ठीक है, पेशेंट केयर का जो है कॉस्ट ऑफ एंगेजिंग वन अटेंडेंट एट रेसिडेंस इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, दिस फैसिलिटी इज देयर, और बेनिफिट ऑफ 400 रुपीज फॉर ईच डे, 400 रुपीज का बेनिफिट इज एप्लीकेबल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी जो होता है हमारा वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है, टॉक टू स्टार फैसिलिटी, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटी में आप क्या है, फोन नंबर डायल करिए 7676905905, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पे आप फोन पे बात कर सकते हैं, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, सेकेंड ओपिनियन डेफिनेटली ले सकते हैं, और एक सजेशन आप हमारे जो पैनल डॉक्टर्स हैं उनका ले सकते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, ठीक है, क्या डिस्काउंट प्रोवाइड होगा, 5% डिस्काउंट इफ टू और मोर फैमिली मेंबर्स आर कवर्ड। इसमें अगर फैमिली डिस्काउंट लेते हैं तो अगर आप टू और मोर फैमिली मेंबर्स इसमें ऐड करते हैं तो 5% डिस्काउंट इज कवर्ड, ठीक है, डिस्काउंट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। मेजर ऑर्गन डोनर डिस्काउंट जो है वो 25% प्रोवाइड होगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, एंड द डिस्काउंट इज अवेलेबल इवन फॉर सब्सिक्वेंट रिन्यूअल, ठीक है, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट रिन्यूअल जो है द डिस्काउंट इज एलिजिबल। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मतलब इफ द पॉलिसी टर्म इज ऑप्टेड फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो द डिस्काउंट इज अवेलेबल 10% ऑन द सेकेंड प्रीमियम पे द डिस्काउंट इज अवेलेबल। And if the policy term is opted for 3 years, 3 years का अगर policy term रहेगा तो 11.25 जो है वो second और third year के premium पे discount मिलेगा। मतलब अगर आप 2 साल का premium एक साथ भरते हैं तो 10% discount रहेगा, और अगर आप 2 और 3 साल का 3 साल का एक साथ भरते हो तो आपको जो discount मिलेगा second और third premium पे वो 11.25 का provided होगा। Clear है?
कोपे है, कोपे यानी अगर किसी की एज 61 ईयर्स एंड अबव की है तो 10% डिस्काउंट जो है वो कोपे के टाइम पे प्रोवाइड होगा। टैक्स बेनिफिट जो है नेक्स्ट स्लाइड पे है। टैक्स बेनिफिट मतलब द इंश्योर इज एलिजिबल फॉर अ रिलीफ अंडर 80D, सेक्शन 80D के अंडर यू नो द टैक्स बेनिफिट इज प्रोवाइडेड। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग, अगर कोई बोलता है कि मेरा 50 ईयर्स ऑफ एज है तो और उनको कोई हेल्थ डिसीज है या नहीं है, फिर भी क्या होगा, प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग यू नो डेफिनेटली करवाया जाएगा। मेडिकल स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस जो है, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस जो है वो ग्रेस पीरियड रहेगा, 7 डेज का ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ग्रेस पीरियड में कवरेज विल नॉट बी अवेलेबल, क्लियर, ये नॉर्मल इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज है। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है, अगर एक कस्टमर है जिसका कोई भी पीडी नहीं है तो इनिशियल वेटिंग पीरियड जो रहेगा उसके लिए दैट विल बी फॉर 30 डेज, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा अदर देन एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट डे वन से ही कवर होता है। स्पेसिफाइड कुछ अगर डिसीजेस है तो 2 ईयर्स का वेटिंग टाइम रहेगा, प्री एग्जिस्टिंग कोई डिसीज है तो 4 ईयर्स का वेटिंग टाइम, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि स्पेसिफाइड डिसीजेस क्या है। अगर कैटरैक्ट है कुछ है, या फिर मान लीजिए कि कोई सिस्ट है, म्यूकस है, या लिगामेंट या फिर बोन्स का कुछ आर्थोस्कोपी या आर्थोप्लास्टिक हुआ है, या वर्बल डिसीजेस कोई है, वर्टिब्रल डिसीजेस है, बोन्स या जॉइंट से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड कोई डिसीजेस है, या फिर मान लीजिए किडनी का या फिर किडनी ट्रैक का कुछ डिसीज है, या हार्निया है, ठीक है, और या फिर कोई कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड्स या फिर अम्बिलिकल ग्रैनुला कुछ ऐसे डिसीजेस है, या ऑब्स्ट्रक्टिव ऑर्थोपेडिक्स है अगर कुछ है, तो ये सारी स्पेसिफाइड डिसीजेस इसके 2 साल का जो रहेगा वेटिंग पीरियड है। और परमानेंट एक्सक्लूजन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल है। परमानेंट एक्सक्लूजन का ये जैसे ये परमानेंट एक्सक्लूजन, परमानेंट एक्सक्लूजन अगर कुछ है और कुछ पीईडी है तो 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। 4 साल तक क्लेम आप नहीं ले सकते, उसके बाद 4 ईयर्स के बाद यू कैन डेफिनेटली आपको क्लेम। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। क्लेम प्रोसीजर पे आते हैं। क्लेम प्रोसीजर जो है नेक्स्ट स्लाइड करना है इसके बाद वाला। रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो अवेलेबल होंगे विद इन 15 डेज। जैसे ही कस्टमर घर जाता है, घर जाने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्लेम फिल करना पड़ेगा। रीइंबर्समेंट ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का एक्सपेंस तो 15 दिन से लेके विद इन 15 डेज करना पड़ेगा, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, 60 डेज के बाद से ही स्टार्ट होगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद। ये नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे तो हमारा जो है हेल्पलाइन नंबर है क्लेम प्रोसेस का। इस हेल्पलाइन नंबर पे यू नो वी नीड टू कॉल एंड वी कैन डेफिनेटली एक्सेस व्हाटएवर द प्रोसेस। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द मेडिक्लासिक प्लान। ये मेडिक्लासिक प्लान का आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पिन करिए, एंड डेफिनेटली यू नो विल टॉक अबाउट। बहुत बहुत धन्यवाद श्रावणी मैम कि आपने आज हमारे वीएलई भाइयों को स्टार के दोनों ही सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी अच्छे से बताया, और आशा करता हूँ कि हमारे वीएलई भाइयों को कोई भी अगर इससे रिलेटेड समस्या होती है तो वो मुझसे या अपने जिला प्रबंधक से बात कर सकते हैं। पीपीटी इसकी जो है मैं वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उससे भी हेल्प कर सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टार हेल्थ की ये दोनों पॉलिसीज को बेचने की कोशिश करें अपने यहाँ से, अपने सेंटर से। श्रावणी मैम, हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने हमें इतना समय दिया और हमारे वीएलई भाइयों को स्टार हेल्थ की दोनों पॉलिसीज के बारे में इतने विस्तार पूर्वक समझाया। इसी के साथ मैं अपने वीएलई भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे आज के लाइव सेशन को देखा। अगले सेशन के लिए अगले बुधवार को मैं आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूंगा एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद श्रावणी मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आई होप यू, आई विश यू अ वेरी गुड डे। मैं लीव कर दूं सर।